क्या आप रामानुजाचार्य जी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा देखिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह एक जिंदा इंसान जो कि आज से लगभग 1000 साल पहले का है। जी हाँ, यह रामानुजाचार्य का असली शरीर जो कि भी एक मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। आप इनके शरीर को सामने से देखोगे और टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में किसी जिंदा इंसान के शरीर को छू रहे हो। उनके हाथों और पैरों के तो नाखून वैसे ही है जैसे कि 1000 साल पहले हुआ करते थे। आपने मम्मीज के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसमें इजिप्ट कुछ लोग किसी इंसान के शरीर को कई सारे केमिकल्स की मदद से एक पेटी में बंद करके सुला देते थे। लेकिन इस मंदिर की पुजारी ऐसे बताते हैं कि रामानुजाचार्य के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वह लोग हर रोज इसमें हल्दी का एक लिप लगाते हैं और साल में लगभग 2 बार केसर और कपूर का मिश्रण चढ़ाते हैं जिससे उनके शरीर बैक्टीरिया और फंगस से पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और वे लोग किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं और यह परंपरा से लगभग 900 सालों से चली आ रही है। दोस्तों, रामानुजाचार्य बहुत बड़े ज्ञाता थे जिन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम कर हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को लोगों में बांटा। अगर आप इनके वास्तविक शरीर को देखना चाहते हैं तो आप रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर इन्हें देख सकते हैं। रामानुज कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल मंदिर में पुजारी बन गए थे जहां उन्होंने यह सिखाना शुरू किया कि मोक्ष आध्यात्मिक निर्गुण ब्राह्मण के साथ नहीं बल्कि व्यक्तिगत भगवान और सगुण विष्णु की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। संत रामानुजाचार्य भगवान लक्ष्मण के ही अवतार हैं। कलयुग में रामानुजाचार्य जी के रूप में लक्ष्मण ने अवतार लिया था। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो।